हेलो बच्चों, आज हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का फोर्थ वीडियो है। इसमें हमें पढ़ना है कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा जो आपको सॉल्व करना सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 2 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के दो चार्ज जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखे हुए हैं, बताइए वो दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, पहली बात है, अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप प्लीज ये रूल देखिए, सबसे पहले जाकर के लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ध्यान से देखिए, उसके बाद यहां पर आइए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको वेक्टर का नॉलेज नहीं है, इफ यू डोंट नो हाउ टू डील विद वेक्टर क्वांटिटीज, then please first of all read that, after that you have to come here, okay? So चलिए देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप जल्दी से पॉज करिए, जल्दी से आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, k q1 q2 by r square। K, K क्या होता है, K का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹, है ना। Q1 कितना है, 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में कैसे चेंज करते हैं, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 10⁻⁶ × उसी तरह -5 माइक्रोकूलम को कूलम में कैसे चेंज करते हैं, -5 × 10⁻⁶। ऑफ कोर्स लिख दीजिए 5 × 10⁻⁶, है ना। यहां हम नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मैंने पिछले क्लास में बताया था फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में अगर नेगेटिव साइन यूज करें उसका मतलब वो डायरेक्शन बताएगा, तो वी विल नेवर यूज नेगेटिव साइन विद इट। अपॉन r की वैल्यू कितनी है, 20, तो चलिए लिख देते हैं 20/100, जो भी सेंटीमीटर को हमें किसमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर लेके आएंगे। आई होप आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं दिया है, ध्यान से इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे आगे, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, ये क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना आपको बहुत जरूरी है। सपोज कोई एक सिस्टम को कंसीडर करते हैं जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, कोई एक चार्ज है स्मॉल Q, इस पे लगने वाला टोटल फोर्स मेरे को निकालना है। तो ये Q1 इसको इधर धक्का दे रहा है, F1 फोर्स लगा रहा है, ये Q2 इस पे F2 फोर्स लगा रहा है, Q3 इस पे F4 फोर्स लगा रहा है, Q5 इस पे Q4 का फोर्स हमने कंसीडर नहीं किया, F4 फोर्स लगा रहा है, Q5 इस पे F5 फोर्स लगा रहा है, और मेरे को निकालना है कि इसमें नेट फोर्स कितना है। कोई 10 न्यूटन लगा रहा है, कोई 5 न्यूटन, कोई 6 न्यूटन, कोई 7 न्यूटन, तो आप बोलोगे नेट फोर्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, सिंपली उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बट ये दिखाता है कि आपको वेक्टर की समझ नहीं है बच्चे, आप जाकर के वेक्टर पढ़िए। अरे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब, है ना। जैसे मान लो ये एक डस्टर है, मानना क्या है, मैंने इस पे इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, कोई दूसरा इंसान आया और उसने भी इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो कितना हुआ टोटल फोर्स, आप बोलोगे 20 न्यूटन। अब मान लो दूसरा वाला आदमी इधर से आके फोर्स लगा रहा है, तो कितना हो गया, 0 हो गया ना, क्यों, क्योंकि ये एक फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है, तो सिंपली इसको हम लोग आलू गाजर के जैसे जोड़ नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए कभी भी डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको ऐड नहीं करेंगे। जो नेट फोर्स लग रहा होगा इस टेस्ट चार्ज में, उसको अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी फोर्सेस हैं उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा,
ठीक है, वेक्टर सम का तरीका होता है आपको पता ही होगा, एलिमेंट में आपने पढ़ा होगा, एक्चुअली जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि इफ देयर आर, आप अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ मोर देन टू चार्जेस आर प्रेजेंट इन एनी सिस्टम, और यू कैन से इफ मेनी चार्जेस आर प्रेजेंट इन एनी सिस्टम देन फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज इज फैक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। मतलब किसी एक, अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है तो किसी एक चार्ज में लगने वाला फोर्स बाकी सब चार्जेस जो इसमें जो फोर्स लगा रही है अलग अलग फोर्स, उन सब का वेक्टर सम होता है। ठीक है, तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। खूबसूरत सा, आप लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। चलिए भाई साहब, आप सबको पता है ना फॉर्मूला, एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना सबको? एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। आई होप आपको याद होगा एलिमेंट का ये फॉर्मूला। चलिए देखते हैं, एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, यहां पर एक चार्ज है माइनस क्यू, तो आप मुझे बताइए ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू में प्यार या दुश्मनी, और कोस प्यार ये प्लस क्यू माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और माइनस क्यू प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, ये डिस्टेंस है ए। अब सपोज इनकी जिंदगी में किसी कोई और आए, उस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू, ये भी ए डिस्टेंस में है। अब आप मुझे बताइए क्या इनका प्यार इनके लिए कम होगा क्या? नहीं भाई साहब, ये भी इसको सेम फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस सेम है मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेम फोर्स से इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे एफ फोर्स से, और यहां भी एफ फोर्स लग रहा है, इससे किसी दूसरे का फोर्स अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, पहले ये जिसको जितना प्यार कर रहे थे उतनी प्यार अब भी करेंगे। तो चलिए सोचिए, ये एक आइसोसेलस नहीं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सिस्टम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है? ऑफ कोर्स 60 डिग्री का। तो ये एफ और एफ के बीच कितने का एंगल बन रहा है? 60 का दोस्तों। तो बताइए एफ नेट क्या हो जाएगा? मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, इस तरह के प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट बनाइए विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ पेन और पेपर, डायरेक्ट सॉल्व इट। क्या करेंगे, एफ वन के स्क्वायर के लिए हमें कितना, ये कितना फोर्स, ये और ये सेम फोर्स लगाएगा, आपको पता होना चाहिए कितना फोर्स लगेगा, एफ का स्क्वायर प्लस एफ टू के स्क्वायर के लिए एफ का स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ एफ स्क्वायर कोस कितना डिग्री, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, जरा खुद से सोचिए, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 का वैल्यू 1/2, दैट मींस 2 कैंसिल, 2f स्क्वायर में f स्क्वायर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3f स्क्वायर, रूट 3 अंदर रह जाएगा, f स्क्वायर का f बाहर निकल जाएगा। अब f निकालना कोई बड़ी बात है क्या? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, a, एक चार्ज q, दूसरा चार्ज भी q ही है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, k q स्क्वायर / डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर, तो पुट कर दीजिए रूट 3 k q स्क्वायर / a स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, जल्दी से एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, ये आपको सॉल्व करना है। q q q q चार चार्जेस हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इसको एक स्क्वायर जिसका साइड का लेंथ है a,
उसके अलोंग रखा गया है, स्क्वायर के वर्टिसेस के अलोंग ये चार्ज का चार्जेस q को रखा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है ये वाला जो चार्ज है q, ये इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है। जल्दी से इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए जल्दी। तो बच्चा लोग ये सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम है जो अक्सर आपको देखने को मिलता होगा, एक 2 कूलम का चार्ज है एक 8 कूलम का चार्ज है, हम 1 कूलम के चार्ज को कहां पर रखें, है ना, हम 1 कूलम के चार्ज को कहां पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो आ जाए, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो। जरा सोचिए अगर हम यहां पे रखते हैं 1 कूलम वाले चार्ज को, तो पॉजिटिव रिपल्सन, ये इसको इधर धक्का देगी, ये इसको इधर धक्का देगी, तो अरे दोनों फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। अब सोच यहां पे अगर हम 1 कूलम वाले चार्ज को रख देंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिपल्सन, ये इसको इधर धक्का देगी, ये 8 कूलम वाला भी इसको इधर धक्का देगी, अगेन रिपल्सन, तो फिर भी सवाल नहीं उठता है। पर अगर इसको हम बीच में कहीं पर रखें, तो ये 2 कूलम वाला इसको इधर धक्का देगी और ये 8 कूलम वाला इसको इधर धक्का देगी। अगर किसी तरह से ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो नेट फोर्स है, जितना फोर्स ये F1 है उतना ही फोर्स F2 है, यानी कि F1 is equal to F2 लग रहा है किसी एक पॉइंट पे, मान लेते हैं 2 कूलम वाले से 1 सेंटीमीटर दूर पे, तो 1 सेंटीमीटर वाले से कितने दूर पे होगा वो, 50 - x, अरे टोटल 50 सेंटीमीटर है ना। तो जितना फोर्स 2 कूलम वाला 1 कूलम को जितने फोर्स से धक्का दे रही है, 8 कूलम वाला भी 1 कूलम को उतनी फोर्स से धक्का देगी। तो चलिए F1 क्या होता है, K, Q1 कितना है 8, Q2 कितना है 1 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 8 कूलम और 1 कूलम के बीच में 50 - x, मतलब 50 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसी तरह से 2 कूलम यहां पे क्या होगा, K, Q1, Q2 यानी 2 × 1, और r डैश का मतलब x का स्क्वायर, ये डिस्टेंस पे x ही है दोनों के बीच में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। अरे k ने k को काटा, 2 से 4 टाइम्स पे कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बनता है, यहां से x स्क्वायर ऊपर आ गया, x स्क्वायर अपॉन 50 - x, इसको ऐसे लिख देते हैं, 50 - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अभी आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर को इधर ले आके रूट में ले आइए और सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा आपसे, इसको सॉल्व करें। एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक बेहतरीन बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि बढ़िया क्या, 12 कूलम, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, 10 कूलम, 11 कूलम, एक क्लॉक की एक क्लॉक वाइज ऐसे फोर्स रखे, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, क्लॉक में 12 1 2 3 4 होता है, उसी तरह से क्लॉक वाइज रखे हुआ है, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। और इसके सेंटर पे जो कि सारे चार्जेस पे ये जो सर्कल दिख रहा है, ये 1 मीटर रेडियस का है, यूनिट रेडियस का है, और यहाँ पे 1 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि ये 1 कूलम वाला चार्ज टोटल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, सॉल्व इट, पॉज करिए और सॉल्व करिए, ध्यान से देखिए, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं, सोचिए यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, ये 12 कूलम वाला इधर इसको धक्का देगा, किस फोर्स से धक्का देगा, 12 × 1 k
12 into 1 यानी कि 12 by r square यानी 1 यानी 12 के फोर्स से, ये 6 कूलम वाला उसको किस फोर्स से धक्का लेगा उधर 6 के फोर्स से, तो 12 के में 6 के जाएगा तो कितना के बचेगा भाई साहब 6 के बचेगा, वो भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि 12 वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा है ना। उसी तरह 1 और 7 साथ में एक हटा दीजिए कितना कूलम बचेगा 6 कूलम, किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर फोर्स लगेगा F, सेम फोर्स 7 कूलम वाला इधर लगाएगा F, ठीक है, सेम फोर्स। आप अगर ध्यान से देखें 11 और 5 में तो इधर लगेगा 11 कूलम वाला का फोर्स, F इधर लगेगा है ना, सेम फोर्स 7 और 1, 7 और 1 का उसका हम कॉम्बो बनाते हैं, हाँ वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 8 और 2 का कॉम्बो बनाए तो इधर लगेगा F फोर्स है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये 9 और 3 वाला में इधर फोर्स लगेगा F है ना, तो चलिए इसे इज्जत से लिख लेते हैं इसको, यहाँ F, यहाँ F, 1 2 में F, 3 में 1 F, 4 में, 4 में एक F, एक F 5 में और एक F 6 में। ये बच्चों बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन नहीं है, हाई लेवल क्वेश्चन, तो जरा आप इसे ध्यान से देखिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं IIT उनके लिए। ये बोलिए हर एक के बीच में कितने का एंगल होगा, 30 डिग्री का आपको पता होना चाहिए कि 5 में है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री। अब आपको खूबसूरती से इसको रिजॉल्व करना है, एक एक करके रिजॉल्व करते हैं। सोचो ये वाला है, दो कंपोनेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, F cos, ये 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, तो हो जाएगा F cos 60 डिग्री है ना, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा F sin 60 डिग्री इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F cos 60 डिग्री, यानी F cos 60 डिग्री एक पहले से यहां पर था तो कितना F हो जाएगा 2F cos 60 डिग्री है ना, और इसका जो हॉरिजॉन्टल इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा F sin 60 डिग्री, तो इसका हॉरिजॉन्टल इसके हॉरिजॉन्टल को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अगेन इन दोनों में भी सेम चीज होगा है ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा F cos 30 डिग्री, इसका भी F cos 30 डिग्री, यानी टोटल कितना 2F cos 30 डिग्री है ना। अब दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा F plus 2F cos 60 डिग्री, 2F cos 30 डिग्री, और यहां पे क्या बच जाएगा F, तो इसे हम प्यार से लिख सकते हैं, बताओ बच्चों F मतलब कितना 6K, यहां लिख सकते हैं 6K plus cos 60 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा F 6, F के लिए आपके 6K अगेन प्लस 2 इंटू 6 के कितना हो जाएगा cos 30 का वैल्यू रूट 3/2, तो यहां हो जाएगा 6 के रूट 3। ध्यान से देखिए तो 6 के कॉमन निकल जाता है और क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 के इंटू 1 2 प्लस रूट 3। किस डायरेक्शन में है ये, x डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स x डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा i कैप, ठीक है। अब ये वाला फोर्स देखिए, इस तरफ अकेला एक f आ रहा है, ये किस डायरेक्शन में है, x या y में, y डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, x वो भी पॉजिटिव y में या नेगेटिव y में, नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस 6k j कैप। ये क्वेश्चन बोर्ड्स वालों के लिए नहीं था, ये क्वेश्चन था one of the finest book of physics, IE Kirloskar।
प्यारे बच्चों, कल हम लाइव सेशन में मिलेंगे। वो मेरा फेसबुक का लिंक का प्रोफाइल दिया हुआ है नीचे, वहाँ फेसबुक में हम लोग लाइव करेंगे। साथ ही साथ ऑफलाइन मोड के बच्चे मुझसे जूम में जुड़ेंगे और जूम के थ्रू हम लोग कल एक लाइव सेशन करेंगे। लाइव सेशन में आप लोग जरूर जुड़िए, लिंक मेरे नीचे प्रोफाइल में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अच्छे तरीके से उसे आप लोग कर लीजिए। और आज से हम लोग एक नया सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, कौन बनेगा आइंस्टीन। कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर आप दीजिए और कुछ आपको उसके बदले मिलेगा तो नहीं, बट उसका आंसर आप दीजिए। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपका माइंड ग्रो करने में हेल्प करेगा। थैंक यू।